हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा फिर से आज आपको स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिस शर्मा। दोस्तों, आज वीडियो में लेकर के आए, जैसे कि आप आपको पता होगा, जैसे अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको बिहार में जो योजना चलाई जाती है उस योजना के अंतर्गत, जैसे कि जो 60 साल से ऊपर हैं, जो वृद्धा है 60 साल के ऊपर ऊपर है, जो वृद्धजन है, तो वृद्धजन योजना चलाई जाती है, जो विधवा है उनके लिए भी योजना चलाई जाती है, और जो विकलांग है उनके लिए भी योजना चलाई जाती है 400 रुपये पर मंथ के लिए। तो इसी की रिगार्डिंग आज बात करने के लिए आए इस वीडियो में, और आपको क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अभी जस्ट हाल ही में जो अपडेट आकर के आया है कि 400 करोड़ रुपए अभी बिहार सरकार ने सभी के खाते में भेजे गए हैं। तो जितने भी हैं उसके लिए खाता में जो भेजे गए उसको कैसे चेक करेंगे, या आपके खाते में आया नहीं आया, इसके लिए कैसे आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक करके आप जानकारी लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट कर। क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है, या मोबाइल में आप खोल रहे हैं तो आप भी मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा उसमें कर देना है क्या कि आपको डेस्कटॉप साइट कर देना है, और डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपको सर्च करना है ई लाभार्थी। ई लाभार्थी जैसे ही सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का खुल करके आएगा। आपके सामने दो तीन गो साइड आएगा, जैसे फर्स्ट वाला है ई लाभार्थी, ये देखिए ई लाभार्थी जो है ये BIC.NIC.IN वाला। इस वाले लिंक पे जाने के बाद क्या होता था कि जो भी ओल्ड एज वाला है, जो भी विकलांग है, जिस किसी भी प्रकार का उसको अगर बिहार सरकार के द्वारा पेंशन मिलता है, तो यहाँ पे जाने के बाद, इस लिंक पे जाने के बाद क्या होता था, उनको वहाँ से जाकर के आधार ऑथेंटिकेशन देना पड़ता था प्रत्येक साल। तो इसलिए इस वाले पे नहीं जाना है। सेकेंड वाला जो 164 वाला IP एड्रेस, यहाँ पे 164.100+251.515, इस वाले पे जाना है, और इस वाले सेकंड वाले यानी कि फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड वाले 164 वाला जो मिलेगा, सिंपल से उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ इस प्रकार का साइट खुलेगा। सिंपल से आपको पहले होम पे क्लिक कर देना है। होम पे क्लिक करने का तो ये बिहार सरकार का नेशनल ये वाला जो साइट है ये आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले कि आपको चेक करना है कि आपके अकाउंट में पेमेंट आया है नहीं आया, उसको चेक करने के लिए आपको थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये पेमेंट रिपोर्ट में जाना है, और आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आएगा, सबसे लास्ट वाला चेक बेनिफिशियरी स्टेटस, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का खुल करके आएगा आपके पास, और आपको सबसे पहला सेलेक्ट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे हम लोगों का पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ का सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने पड़ेगा, तो आप जिस भी ब्लॉक से हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको तीन मिलेगा, एक बेनिफिशियरी ID, अकाउंट नंबर, आधार नंबर। तो बेनिफिशियरी ID मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता है ना, लेकिन अकाउंट आपको यानी कि जिस अकाउंट में आपका वृद्धा पेंशन होता है, या विकलांग पेंशन है, या किसी भी प्रकार का जो पेंशन आपको बिहार सरकार के द्वारा मिलता है, तो आप यहाँ अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट नंबर पर मिलता है तो अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। अगर आपको अकाउंट नंबर पता नहीं तो आधार नंबर सबसे बेस्ट होता है कि आधार नंबर डालेंगे, और आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर उनका डालना है, और उनके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आधार नंबर डाल देता हूँ, और आधार नंबर डालने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और जिसका भी आधार नंबर, मैं किसी एक का आधार नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले सर्च करके रखा था तो इसलिए ऑलरेडी सेव है ये, मैं ये आधार नंबर डाल करके और सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे उनका उनका सारा डिटेल आ गया। देखिए क्रम संख्या, यहाँ पंचायत का नाम देखिए मझगामा है, और ग्राम या वार्ड नंबर ग्राम, जैसे हम लोग का कनड़िया पड़ता था, कनड़िया इनका आ गया। देखिए योजना का नाम, या ओल्ड एज पेंशन यानी कि 60 साल से प्लस है लाभार्थी संख्या, लाभार्थी का नाम या गंगाराम मिस्त्री दिखा रहे हैं, उनके पिताजी का नाम, खाता संख्या यानी कि देखिए खाता संख्या लास्ट का 4 डिजिट दिखा रहा है, और यहाँ पर देखिए लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, यहाँ देखिए भुगतान किया जा चुका है यानी कि इसके अकाउंट में जो पेमेंट है ये पेमेंट जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपके अकाउंट में पेमेंट चले गया, और इसका कि मतलब कि कितना पेमेंट आया है नहीं आया, वो सारा डिटेल चेक करने के लिए सिंपल सा फिर से आपको पेमेंट रिपोर्ट पे जाना है, और रिपोर्ट पे जाने के बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन है चेक बेनिफिशरी पेमेंट हिस्ट्री आफ्टर मई 2 यानी कि 2020, तो इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद पेज रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करने के लिए कहेगा डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है सिंपल सा।
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए और ब्लॉक जो भी पड़ता है ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन मिलेगा, एक है बेनिफिशियरी आईडी और एक अकाउंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी आपको याद नहीं होगा, सबको लगभग मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन आपको अकाउंट नंबर पता होगा। तो अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद किसी एक अकाउंट नंबर, चले मैं एक कोई इसे एक का अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। और डालने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेते हैं और सर्च करेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे। जैसे देखिए सर्च करने के जैसे ही इनका ये मैंने इसका नया वाला अप्लाई किया था, कुछ दिन पहले ही अप्लाई किया था, 2 महीने पहले, तो इनका हो गया, इनका अप्रूव हो चुका था। इनके इनको अभी दो 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 ही पेमेंट मिला है। देखिए वित्तीय वर्ष 2020 से 21 वाला दिखा रहा है और इसका लाभार्थी संख्या जो है पंचायत का नाम है ना मझगामा, और इसको जो पेंशन मिला है MVPY पेंशन है ना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना जो भी है वो मिल रहा है। नाम जो है यहाँ पे शोकन, उनका पिताजी का नाम और उनका उम्र क्या है और किस माह से किस माह, यानी कि सितंबर माह मार्च माह तक का है ना यूनिटी। और उसके अंदर रकम देखिए यहाँ पे 400 रुपये दिखा रहा है और बिल की तिथि देखिए किस तारीख को इसके अकाउंट में दिया गया है। और यहाँ देखिए स्टेटस यहाँ पे सक्सेस होगी, तो इस प्रकार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यानी कि उसका अकाउंट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से कि आप किस प्रकार चेक करेंगे कि आपके अकाउंट में आया नहीं है, या जो दादाजी होंगे या आपके कोई रिलेटिव होंगे तो उनका चेक कर करके आप देख सकते हैं कि उसके अकाउंट में आया या नहीं आया। दूसरा कि इसमें अगर आप इसका 60 साल से प्लस हो चुका है, अगर उसका वृद्धा पेंशन आपने अप्लाई नहीं किया है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करने के एक नया वीडियो मैं बहुत जल्द एक से दो दिन के अंदर मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। और वहाँ पे आप देख लेंगे कि किस प्रकार आप वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा आप ही के घर से, और आप अपने लैपटॉप के माध्यम से या माध्यम से घर बैठे सारा चीज़ अपलोड करके सारा चीज़ कर लेंगे। वीडियो यहीं तक रहा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।